हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे दो जादुई हंस की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक नील झील थी। उस नील झील के गहरे पानी में एक बतख अपने चार चूजों के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ तैरते हुए आनंद ले रही थी। उसके चारों बच्चे तैरते हुए बड़े ही प्यारे लग रहे थे। उसी झील में दो प्यारे हंस भी विहार कर रहे थे। एक हंस बोला, देखो देखो, बतख के चूजे कितने अच्छे लग रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ कितना आनंद ले रहे हैं। उनकी माँ भी उन पर ममता लुटा रही है। दूसरा हंस बोला, अरे वाह, ऐसा लगता है इन्हें स्वर्गिक आनंद मिल रहा हो। अब देखो, झील के बाहर भी निकल रहे हैं। माँ आगे चल रही है, पर एक बच्चा चढ़ गया, बिल्कुल दूसरा भी चढ़ गया। ये लो, तीसरा भी बड़ी मुश्किल से चढ़ गया, और मेरे चौथे भी नहीं चढ़ पा रहा है, कुछ कमजोर नजर आ रहा है। उसकी माँ उसके पास आ रही है। देखो, पहला हंस बोला, मेरा दिल कह रहा है मैं उस नन्ही चूजे की चलकर मदद करूं, मैं तो जा रही हूं। हंस ने आगे बढ़कर उस नन्हे चूजे की मदद की और उसे ऊपर चढ़ा दिया। चारों चूजे एक साथ हो गए। बतख की माँ संतुष्ट हो गई। वो पांचों बढ़ ही रहे थे कि आकाश से एक बाज वो ही नीचे उतर आया। वो एक खतरनाक इरादों से आया था। उसने एक चूजे को पकड़ना चाहा, लेकिन माँ बतख बीच में आ गई। बाज घूरने लगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी बाज ने कहा, ए बतख, तू रास्ते से हट जा, वरना तू भी मारी जाएगी और तेरी चूजे भी मेरी शिकार बन जाएंगे। जान प्यारी है तो भाग जा। तभी बतख ने बोला, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान प्यारी है। मैं यहाँ से हटने वाली नहीं। मेरी जीते जी तुम मेरे बच्चों को छू भी नहीं पाओगे। अचानक बाज ने बतख पर हमला कर लिया और बतख ने भी बदला ले लिया और लड़ने लगे। उन दोनों की लड़ाई को हंस देख रहे थे। बाज ने बतख को जख्मी कर दिया और उसने भी कई बार हमला की। घायल बतख पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी और बाज उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। तभी एक हंस ने बोला, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है, मैं इसके हेकड़ी निकाल दूंगी। तभी हंस ने दौड़कर बाज को ऐसा झटका दिया, वो धरती पर ही पटक दिया। बाज उठा तो उसे और एक बार पटक दिया। तभी बतख भी उसे चोंच से हमला करने लगी। तभी बतख के चारों बच्चे दूसरे हंस के पास चले गए। हंस ने उसे सारे सुरक्षा प्रदान कर दी थी। इसी बीच पहले हंस ने बाज को दो तीन बार फिर से पटक दिया और बाज की चोंच बंद हो गई और पांव बंध गए। तभी बतख ने बोला, अरे हंस बहन, कैसा चमत्कार है, बाज की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? आपकी शक्ति और पराक्रम को देखकर मैं तो हैरान हूँ। इतने बड़े बाज को अपनी धूल चटा दिया, उसको पटक पटक कर बांध भी दिया। तभी हंस ने बोला, अरे बतख बहन, मैंने अपनी आंखों से जब उसका अत्याचार देखा, तभी मुझे रहा नहीं गया। मैंने भी अपना दो तीन पेंतरा दिखाई दिया, अत्याचारी बाज को अच्छा सबक दिया। अब वो तुम्हारे बच्चे को देखेगा भी नहीं। प्यारे बच्चे तुम्हारे साथ खुशी खुशी चल रहे थे और ये दुष्ट आ गया कष्ट देने के लिए। तभी बतख बोली, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार लगा तुम्हारा अंदाज।
तभी दूसरा हंस बोला, अरे बतख बहन, तुम्हें तो वो दुष्ट बाज ने कई जख्म दिए, इधर आओ मुझे अपना जख्म दिखाओ। हंस ने बतख के शरीर पर जख्म दिखाए और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें ठीक कर दिया। बतख के शरीर का दर्द भी जाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और दूसरी तरफ तड़पता हुआ बाज नीचे पड़ा था, चोंच बंद होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, पैर बंद होने के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। बतख को दूसरे हंस के जादू को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बतख बोली, यहाँ भी कमाल हो गया, एक हंस ने तो बाज को ही पटक दिया और दूसरे ने तो पैर को ही बांध दिया। अब दोनों ने तो हमारे भक्ष्य को हरा कर हमारा रक्षक बनने का महान कार्य कर दिया। अब मुझे इस बाज पर दया आ रहा है। मेरा निवेदन है कि इस बाज को छोड़ दिया जाए। एक हंस बोला, दुष्ट बाज, देख ले, तू जिसकी जान की दुश्मन बना था, अब वो ही तुझे बचाने के लिए कह रही है। और दूसरा हंस बोला, बाज तो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए उसने बतख और उसके बच्चों पर वार किया, लेकिन बतख उत्तम प्रवृत्ति के होने के कारण वो आपको भी बचाना चाहती है। दोनों की प्रवृत्ति में यही अंतर है। हंस ने अपनी जादुई शक्ति से बाज के बंधन को तोड़ दिया और उसका मुंह खोल दिया। बाज कुछ बोल न सका और धीरे से उड़ गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, कौवा लौटकर झील पर जाए। दोनों हंस को बतख और उसके चूजों से बड़ा ही लगाव हो गया। ये सभी और साथ में रहने लगे। अचानक बहुत जोरों से बरसात होने लगी। मोटी मोटी बूंदे छोटे छोटे चूजों पर गिरी और वो छटपटा उठे। दोनों हंस आगे आए, एक ने अपने पंखों के नीचे चारों चूजों को ले लिया और दूसरे अपने पंखों से बतख को छुपा दिया। तभी हंस ने बोला, अरे बच्चों, कोई परेशानी नहीं है? एक चूजा बोला, नहीं नहीं, अब तो पानी की एक बूंदे हमें नहीं छुपा रही है, मेरी माँ तो नहीं भीगी जा रही है, देखो जरा। तभी दूसरा हंस बोला, अरे ये तो मेरे पंख के नीचे शर्मा रही है, बरसात से बचकर मजा पा रही है। बतख बोली, आप दोनों ने तो हमें पंख का छाता लगा दिया, लेकिन खुद को भीगने से नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे कारण आप लोग खुद कष्ट पा रहे हैं। दूसरा हंस बोला, ध्यान से देखो, हमारी पंख के ऊपर एक भी बूंदे नहीं टिक पा रही है, जो भी पड़ती है उड़ जाती है, बरसात रुकी नहीं रही थी और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। अचानक दोनों हंस ने अपना जादू चलाया और सामने एक बतख और उसके बच्चों के लिए एक शानदार सा घर बना दिया। हंसों ने बोला, चलो बच्चों, अपनी माँ के साथ नया घर में प्रवेश करो, आज से ये घर तुम्हारा हुआ, अब कोई भी बरसात या तूफान तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी, ये घर हर मुसीबत से बचाएगा। दोनों जादुई हंसों ने और सुरक्षा की कृपा बतख और उसके बच्चों पर सदा बनाए रखा और वो सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।